होता है, हमें ऐसी कोई अभी किसी की जरूरत नहीं है। इन दिनों एक नाम यूपी की सियासत का केंद्र बना हुआ है, वो नाम है सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का। वो ओम प्रकाश राजभर जो समाजवादी पार्टी के साथ होकर भी साथ नहीं रहे। विधानसभा चुनाव से पहले हुआ गठबंधन चुनाव हारने के बाद ही टूट गया। अब सवाल ये था कि ओम प्रकाश राजभर कहां जाएंगे, क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे। इन सवालों के अटकलों के बीच ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दो टूक कह दिया कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। जाना होगा, हमें अभी अपनी पार्टी हमारी मजबूत है, हमें ऐसी कोई अभी किसी की जरूरत नहीं है। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान केशव प्रसाद मौर्य अलीगढ़ पहुंचे थे। जब उनसे सपा गठबंधन से अलग हुए ओम प्रकाश राजभर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अभी मजबूत है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। जिनको आना जाना होगा तो पार्टी इस पर विचार करेगी, ये हमारा विषय नहीं है। जिनको जाना होगा, हमें अभी अपनी पार्टी हमारी मजबूत है, हमें ऐसी कोई अभी किसी की जरूरत नहीं है। कोई आना चाहेगा पार्टी विचार करेगी, लेकिन अभी ये हमारा विषय नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले ओपी राजभर ने कहा था कि बहन जी से बात हो गई है, बीएसपी उनके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया, राजभर की उम्मीदों पर तो जैसे पानी फिर गया। दरअसल ओपी राजभर का बिना नाम लिए आकाश आनंद ने ट्वीट किया था कि बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी के शासन प्रशासन अनुशासन की पूरी दुनिया तारीफ करती है, लेकिन कुछ अवसरवादी लोग भी बहन जी का नाम के सहारे अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। वहीं सपा नेता स्वामी मौर्य ने भी ओपी राजभर पर हमला बोला है। उन्हीं की हंसी हो रही, उन्हीं का मजाक हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी या कोई और हो सकता है, उनको सामान्य रूप से विधायक हैं और वायु सेना की सुरक्षा मिल गई है, जबकि मैं भी विधायक हूँ। विधायकों के लिए अनुमन सुरक्षा भी अभी मुझे नहीं प्राप्त हुई है, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अब अगर बात करें बीजेपी की तो केशव प्रसाद मौर्य ने भले ही कह दिया हो कि अगर पार्टी में किसी को लेना होगा तो पार्टी ही विचार करेगी, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने ओपी राजभर को लेकर अपना रिएक्शन दिया है उससे ये साफ हो गया कि ओम प्रकाश राजभर का ख्याल ना बीएसपी कर रही है और ना ही बीजेपी की तरफ से उन्हें वो अटेंशन मिल रहा है जिसकी वो दोनों की तरफ से उम्मीद कर रहे थे। अब सवाल तो उठना लाजमी है कि अब ओम प्रकाश राजभर क्या करेंगे। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।